आपके हालात आपको तभी नियंत्रण करेगा जब आप उसे खुद को नियंत्रण करने का हक दोगे। जो लोग सफल बने हैं उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए है कि वो कहाँ पर है और उन्हें कहाँ पर जाना है। आप अब जहाँ पर हो वो बस आपके पहले लिए हुए डिसीजन के वजह से है। आप जहाँ पर हो अगर वहाँ पर खुश नहीं हो तो फिर आप एक्शन लो। आपके चॉइसेस ही ये दर्शाता है कि आप अपने जीवन में कितना दूर तक जाओगे। क्या आप जहाँ पर हो वहाँ पर खुश हो या फिर आप ज्यादा दूर तक जाओगे। अब आप अपने शरीर की तरफ देखो। आपके शरीर का अब जो हालात है वो आपके पहले लिए हुए डाइट और एक्सरसाइज के वजह से है। अब अगर उसे अपने मुताबिक बदलना चाहते हो तो फिर आपको प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज करना होगा और इसे ही सेल्फ मेड कहा जाता है। आपके फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है ये भी आपके चॉइसेस का रिफ्लेक्शन है। आप अपना समय को कैसे इन्वेस्ट किए थे, आपने उसे अपने आप को एडुकेट करने के लिए इस्तेमाल किए थे या फिर फालतू बर्बाद किए थे, वो आपके ही चॉइसेस थे। आपको आपका जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, आपके तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है, तो फिर क्या वो किसी और की गलती है क्या? आपको खुद को ही अपना दूसरा इनकम सोर्स बनाना होगा। ये बात बिल्कुल ही सही है। लोग आपके साथ गलत करेंगे, समय आपके साथ गलत करेगा, पर सब कुछ के बावजूद आप जो करोगे वही आपको डिफाइन करेगा। इस दुनिया में हर कोई सेल्फ मेड है, पर उनमें से जो लोग अपने पोजीशन से खुश है वही बस इसे एडमिट करती है। आपने सेल्फ मेड बिलियनर या फिर मिलियनर सुना ही होगा, पर क्या आपने ये सुना है कि सेल्फ मेड एवरेज या फिर सेल्फ मेड फेलियर? आप ये कभी भी नहीं सुने हो। आप जहाँ पर नहीं जाना चाहते हो उसके लिए आप अगर खड़े रहेंगे और ये मानेंगे कि आप सेल्फ मेड हो, यही आपके स्वतंत्रता की पहला कदम है। ये आपकी अलग जीवन की पहला कदम है, एक जीवन जिसे आप गर्व के साथ कहोगे आई एम सेल्फ मेड। इस जहां में ऐसा कोई भी कारण होता ही नहीं है जिसके वजह से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपको बस ये सीखने पर गौर करना होगा कि आप कैसे करोगे। अपना लक्ष्य स्थिर करो और कॉन्सिस्टेंट एक्शन लेते चलो। आप अगर अपने इनकम की बहुत सारे सोर्सेस बनाना चाहते हो तो फिर आप वो जरूर कर पाओगे। आप जो भी पाना चाहते हो या फिर खुद को बनाना चाहते हो वो आप जरूर कर सकते हो। आप खुद को जैसा बनाए हो उसके लिए खुद को प्राउड या फिर डिसअपॉइंटेड महसूस कर सकते हो, और ये भी आपकी ही चॉइस है। आप गर्व के साथ जी सकते हो या फिर हताशा और निराशा के साथ जी सकते हो, और सब कुछ बस आपके लिए हुए चॉइसेस की ही फल होगा। आप खुद ही अपने भाग्य के विधाता हो। अपने आप से हर रोज ये कहो कि अब मैं जिस जगह पर हूँ वो मेरे पहले लिए हुए डिसीजंस के वजह से है, और अगर मुझे बेटर रिजल्ट चाहिए तो फिर मुझे बेटर एक्शन लेते जाना होगा।